अब आज न्यूज के न्यूज रूम से अभी हम लाइव हैं। आपको बता दें कि बीएसटीसी और बीएड के अभ्यर्थी लगातार पुरजोर अपनी मांग राहुल गांधी से भी रख रहे हैं, साथ ही सीएम अशोक गहलोत को भी आज ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन के अंदर उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा विवाद जो सामने आया है, इस विवाद में यह भी बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में बीएसटीसी और बीएड के अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल किया जा सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने पर बीएड बीएसटीसी अंतिम वर्ष वाले शिक्षक भर्ती भी शामिल को लेकर गहलोत सरकार से बेरोजगार भर्ती लगातार मांग कर रहे हैं। बीएड बीएसटीसी अंतिम वर्ष वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल को लेकर दस्तावेज सत्यापन तक छूट देने की मांग को लेकर बेरोजगारों का विरोध लगातार जारी है। और आपको बता दें कि दौसा के कालखो में बीएड बीएसटीसी अंतिम वर्ष वाले बेरोजगार अभ्यर्थी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप क्या कर रहे हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और गरीबों की मसीहा बताते हैं, तो क्या राहुल गांधी आप लोगों की सुनवाई करेंगे? लेकिन राहुल गांधी जी तो पहले भी नहीं जाते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसी कारण हमको यहाँ पर झटक कर इकट्ठा है। राजस्थान के लगभग 16 जिलों से लड़के आए थे और 200 लड़कों ने हमने कोशिश की, सीएमओ ने हमें अंदर प्रवेश नहीं किया गया, फिर हमने से केवल दो छात्रों को अंदर जाने की अनुमति मिली। हमने शिक्षा मंत्री जायदा खान जी और विधायक बलजी यादव जी घरेलू विधायक हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। उन्होंने प्रताप सिंह छात्रावास में हमें जो आश्वासन दिया है कि आपकी संख्या जाएगी। अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि हम गरीबों की मसीहा है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों गरीब छात्रों के साथ ऐसा पेपर लीक होने की घटना आ रही है? देखिए, ऊपर के लोग तो हमेशा ये चाहते हैं अच्छा हो, लेकिन जो नीचे की कार्रवाई प्रणाली होती है उसकी गलतियों की वजह से सब कुछ होता है। अब इस पर कार्रवाई करने के लिए नियम बनाया है राजस्थान में, तो उसको लागू पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, उस पर कार्रवाई करेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब अलवर में भाषण दिए थे, तो क्या इस मुद्दे को आप लोग उठाए थे? उसमें राजस्थान के प्रत्येक यात्रा के बीच में हाथ से दाखिल दिया था और हमारे लिए साथी अभ्यर्थी शेर खान, उसकी फोटो को भाईचारे के नाम पर वायरल भी किया गया, लेकिन हमारी मांग पर इतना ध्यान नहीं दिया।